अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन एंड बेनवेनुती ने इटालियन ढाबा। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े के और चटपटे बिहारी कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। लेकिन गोश्त को आपने किस तरह काटना है या कटवाना है ये देखें। इस तरह इसकी पट्टियाँ काटनी है, इतनी इतनी चौड़ी सी, एक चौथाई इंच चौड़ाई में पट्टियाँ काट लें। चाहे आप छोटी काटें या बड़ी काटें वो मसला नहीं है, लेकिन बस इतनी चौड़ी होनी चाहिए। इसको काट के अच्छे से धो के हमने छलनी में रख लिया था, अब ये तैयार है। अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे और मसाले के लिए मैं इसको पहले ड्राई रोस्ट करूँगी। इसके लिए मैंने लिए हैं 6 जो है बटर मिर्चें लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 काली इलायची ली है, 3 सब्ज इलायचियाँ ली हैं, 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1/2 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च है, 4-5 लौंग है। इसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है और थोड़ा सा जावित्री का पीस लिया है। अब इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको कलर देंगे, बस ये है कि जो जितने हमने मसाले डाले हैं उनका जो फ्लेवर है या अरोमा है वो अच्छी तरह निकल कर आ जाए, और जब हम इनको पीसें तो ये बहुत अच्छे से पीस जाए। 1-1.5 मिनट हम इनको करेंगे ड्राई रोस्ट। मसाला हल्का सा रोस्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच खशखाश। अगर खशखाश ना हो तो आप 5-6 काजू भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच काला जीरा और 1/2 चाय का चम्मच अजवाइन, 1/2 चाय का चम्मच हम सफेद जीरा डालेंगे। इन सबको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जीरा चटकने लग गया, इसका मतलब यह है कि ये रोस्ट हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे, इस मसाले को हम ठंडा करेंगे और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। मसाला हमने पीस लिया, सबसे पहले हम गोश्त में डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भरकर पपीते का पाउडर। इसमें हम डालेंगे अब 1 चाय का चम्मच भरकर नमक। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। एक खाने का चम्मच डालेंगे अदरक का पेस्ट। एक खाने का चम्मच हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। दो खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे दही। एक चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट और इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच जो है फ्राई किसी प्याज। ये जो हमने मसाला पीसा है ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 लेमन का जूस। वैसे देखें तो ये 2-3 खाने के चम्मच होगा, अगर नींबू छोटे हो तो आप 2-3 खाने के चम्मच डाल लें। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जो है वो मस्टर्ड ऑयल, और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से मिक्स करेंगे, चम्मच से नहीं मिक्स होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए इधर काउंटर पर ही छोड़ देंगे।
तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है गोश्त को मैरिनेट किए हुए और ये अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। इसके साथ ही हमने कुछ ये बैम्बो स्टिक्स या जिन्हें स्क्यूअर्स कहते हैं ये लिए हैं, जिनको पानी में डिप कर लिया। अगर ऐसी हों तो भी ठीक है, ऐसी हों तो भी ठीक है, कोई सी भी हो, 10-15 मिनट पानी में सोख कर लें। अब हम इनको इस तरह इसमें परोएंगे जैसे कि हम कपड़े को सीते हैं, ऐसे। किसी के आगे एक और परो लेंगे, कुछ छोटा सा पीस हम सारी जो है उनको परो लेंगे और इधर रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। ये सारा मीट जो है हमने स्कूअर्स में परो लिया है। अब हमने ये इधर ऑयल गरम करने रखा है जो कि 4 से 5 खाने के चम्मच है, मस्टर्ड ऑयल है, इसके अंदर हम रख देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर इनको पकने देंगे। तीन से चार मिनट पकने के बाद जब एक साइड कलर आ जाएगा तो फिर हम इसी साइड चेंज कर देंगे इसका। और दूसरी साइड को भी 4 से 5 मिनट जो हम सिकने देंगे। 3-4 मिनट हो गए और दूसरी साइड पर भी अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। उसी पैन को हमने सारे फ्राई करने के बाद उसी पैन को हमने खाली कर लिया। इसके अंदर हम स्क्यूअर्स को वापस रखेंगे। चूल्हा बंद है, चूल्हा ऑन नहीं है। एक हम जलता हुआ कोयला रखेंगे एक साइड में, ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको बंद कर देंगे और इसे धुएं का दम देंगे। अब हम डिश को खोल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। थोड़े से प्याज के रिंग्स जो हैं इनके साथ गार्निश कर देंगे के। हमारे मजेदार से चटपटे बिहारी कबाब बनकर तैयार हैं और देखा इसको बनाना कितना आसान है और घर में इसको आप आराम से बना सकते हैं। इसको हमने रायते के साथ और सलाद के साथ सर्व किया है। इसके साथ गर्मा गर्म नान लें। नान का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आई बटन में भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो उसको देखकर भी आप रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर किया करें। कमेंट में हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपने घर के किचन में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ मज़े ले लेकर इंजॉय करें।